इमरान भाई एक ही कर लगा ये भाई साहब के इरादे बड़े खतरनाक थे बाइक वाले के, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दी है तो इसने ऐन मौके पे बाइक को रोक लिया है और रोक अस्सलामुअलैकुम। ट्रेन लवर 72 से इमरान अहमद चीमा एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हम फिर एक दफ़ा काना काचा फ्लाई ओवर के पास आए हैं। यहाँ पे बादलों का बड़ा खूबसूरत मंज़र बना हुआ है, अभी आपको पुल पे जाके भी दिखाते हैं। यहाँ से हम कैप्चर करेंगे 40 डॉन जाफर एक्सप्रेस को और 16 डॉन या 34 डॉन जो भी इनमें से पहले आ गई, ये दो ट्रेनों का आपको कैप्चर दिखाएँगे यहाँ से। 40 डॉन बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी है और देखें ये लोगों के काम इधर, बिल्कुल ट्रेन 95 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है और ये लोग देखें ये मोटरसाइकिलें क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ से, और बिल्कुल सामने ट्रेन है। तो ये इस तरह की वायलेशन जो है ना, ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े हादसा यहाँ पे आए दिन सुनने में मिलते हैं कि होते हैं, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये लोगों की हमाकत और जल्दबाजी की क्या वजह है, इन्हें रुकना चाहिए। तो अभी देखें ये ट्रैक के साथ साथ जा रहे हैं और ट्रेन बड़ी स्पीड से आ रही है। डॉन ने आज कमाल कर दी है। और दूसरा एक चीज़ इसमें नोट की होगी शायद आपने, इनकी कोचिज की जो तादाद है ना उसको कम कर दिया गया है, शायद ये बारिशों की वजह से ट्रेनें आजकल लेट हैं। इसमें भी अभी तकरीबन 14 कोचिज लगी हुई थी और जो आज 39 अप जाफर एक्सप्रेस आई है उसमें सिर्फ 12 कोचिज आज लगी हुई थी और स्पीड इसकी तकरीबन 95 आज के करीब ये गुजरी है। तो अभी देखते हैं दूसरी ट्रेन का एक्शन, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। 34 डॉन पार्क बिजनेस अपने टाइम से तकरीबन 2 घंटे लेट है, क्योंकि ये ट्रेनें अप साइड वाली आ भी लेट रही हैं सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से। तो 34 डॉन हमारे बिल्कुल सामने आ चुकी है, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा रोड से हट के हम कैप्चर करेंगे उस रोड पे। और बादलों का भी सीन देखें कितना प्यारा, ये सावन भादों में इस तरह के सीन अक्सर बनते रहते हैं बादलों के और सूरज की आग में चोली होती रहती है। तो थोड़ा सा पीछे जाके इसको कैप्चर करेंगे, देखते हैं कैसा व्यू आता है आज इसका। ठीक है ना, ऑनलाइन सर्विस इस वक्त नहीं चल रही जिसमें 34 डॉन शो तो हो रही है लेकिन करंटली सर्विस उसकी ऑफ जा रही है। तो ये एक लोकोमोटिव था जो यहाँ से गुजर गया है रायवंड के लिए। तो अभी वेट करते हैं मज़ीद, देखते हैं कितनी देर में ट्रेन आती है।
ट्रेन की लाइट तो फिर चमक रही है लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि 34 डॉन जो है ना अभी तक उसका नेट पे ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। तो कराची एक्सप्रेस अभी लाहौर स्टेशन से निकली है, तो ये ट्रेन बिल्कुल हमारे सामने इसकी लाइट आप देख रहे हैं, तो आप देखते हैं हो सकता है कि ये 34 डॉन ही हो, तो अभी देखते हैं इसको। ये बिल्कुल सामने स्टेशन क्रॉस कर रही है काना काचा का, तो देखते हैं इसका कैसा कैप्चर होता है आज। इमरान भाई एक ही कारण लगा ये भाई साहब के इरादे बड़े खतरनाक थे बाइक वाले के, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दी है तो इसने ऐन मौके पे बाइक को रोक लिया है, और रोकी भी इसने बड़ी गलत जगह पे है, हालांकि पीछे बड़ी जगह थी, ये पीछे कर सकता था, इसने बिल्कुल सेंटर में खड़ी की है। तो ये इस तरह की यहाँ पे काना काछा पे सूरत हाल है, बड़ी डेंजरस आवाम अपने साथ सूरत हाल पैदा कर लेती है, तो इस चीज़ को इन्हें समझना चाहिए कि दो चार मिनट की देर से कोई मसला नहीं है, बंदा वेट कर ले उसके बाद खैर खरीत से घर पहुंच जाए। तो बहरहाल कोई एक ये भी बचत हो गई है, किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, वरना हरकतें इसकी ऐसी ही थी। तो वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।